हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज दिन है शुक्रवार और सुबह का टाइम है। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि आज रियांत की छुट्टी है और रियांत के चल रहे हैं एग्ज़ाम। तो आज इनका एग्ज़ाम था लेकिन बारिश की वजह से इनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। तो नोएडा में जितने भी स्कूल हैं सभी बंद हो गए हैं। अभी बारिश हो जा रही है, 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, बिल्कुल भी बारिश रुकी नहीं रही है। और बस मौसम अच्छा हो गया है, एकदम से ठंडा सा मौसम हो गया है। तो जब बारिश होती है तो बस चाय पीने का मन होता है, तो बस मैं यहाँ सबके लिए अच्छी सी अदरक वाली चाय बना रही हूँ। और छुट्टी रहती है तो बस फिर यही लगता है चाय वगैरह पी लूँ, इसके बाद ही बाकी के काम करूँगी। अगर यहाँ तो स्कूल जाता है तो फिर मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर लेती हूँ, और जिस दिन स्कूल नहीं जाना होता है ना तो उस दिन फिर सारे काम ना आराम से ही होते हैं। और बस यहाँ पर मैंने चाय बना ली है बढ़िया सी अदरक वाली, और सबको मैं चाय दे दूँगी। और अभी रियांत सो रहा है, तब रियांत उठेगा तब मैं उसको चाय बना के दूंगी, क्योंकि मौसम इतना ठंडा हो गया है तो चाय दे देते हैं ना तो थोड़ा सा आराम मिल जाता है, रिलैक्स सा आ जाता है। और वैसे भी सर्दी जुकाम रहने का बहुत ज़्यादा डर रहता है ऐसे मौसम में, तो चाय पी लेते हैं तो थोड़ी सी एनर्जी सी आ जाती है। तो बस मैंने अभी चाय पी ली है, ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं बनाया है। और वैसे यहाँ पर बस मैं तैयारी कर रही हूँ लंच की, तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना के रख दूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ मेथी की सब्ज़ी, आलू मेथी की सब्ज़ी। तो मेथी को मैंने अच्छे से धो दिया था और इसका पानी अच्छे से सूख गया है। अब मैं इसको यहाँ बैठ के आराम से काटूंगी और इसके बाद ही मैं इसकी सब्जी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मेथी मैंने कट कर ली है और इसके बाद मैं लगाया छोंक दूंगी सब्जी को। तो कढ़ाई में डाला था मस्टर्ड ऑयल और उसमें डाला है 2-3 लहसुन की कलियाँ काट के डाली हैं, 1 हरी मिर्ची काट के डाली है और हींग जीरा डाल दिया था। और इसके बाद 2 आलू काट लिए थे वो भी मैंने डाल दिए हैं, और ऊपर से डाली है हल्दी। और इसके बाद मैं डालूंगी कटी हुई मेथी। तो यहाँ पे मैं आलू मेथी की सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ और इसके साथ मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी। और सुबह से ना सभी की अलग अलग डिमांडें चल रही थी, किसी को आलू के पराठे खाना था, किसी को पकौड़ी खानी थी और किसी को नमकीन पूड़ी खानी थी, फिर कुछ भी नहीं बन पाया है। आखिर में फिर मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई और उसके साथ मैं बनाऊँगी पूड़ियाँ। तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बारिश से एकदम से ठंडा मौसम हो गया था, तो बस पूड़ियाँ खाने का मन कर रहा था। तो फिर मैंने बढ़िया सी आलू मेथी की सब्ज़ी यहाँ पर छौंक दी है और बस इसको ढक के रख देंगे और ये पकती रहेगी सब्जी। और अभी मैं रियांत को दूंगी ब्रेकफास्ट, तो रियांत को भी मैं ब्रेड ही दे दूंगी और इसमें मैं थोड़ी सी मेयोनीज लगा दूंगी। और इसके बाद मैं इसको तवे पे थोड़ा सा घी से मैं सेक दूंगी ब्रेड को, तो ये रियांत का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ बूंदी का रायता, तो इसके लिए लिया है मैंने छाछ और इसमें मैं डालूंगी लाल मिर्ची पाउडर और बस तड़का लगा देंगे और 1 हरी मिर्ची काट के डाल देंगे। और बूंदी मैं अभी नहीं डालती हूँ, जब खाने लगेंगे तब मैं इसमें बूंदी मिलाती हूँ और तभी मैं इसमें नमक डालती हूँ। अभी से नमक डाल देंगे तो ये खट्टा हो जाता है, तो जब खाने लगेंगे तभी इसमें मैं नमक डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रियांत को भी सैंडविच बना के दे दिया है और यहाँ पे मैंने गैस पे रख दी है कढ़ाई और इसमें मैं बनाऊँगी रबड़ी। तो आज का जितना भी मिल्क आया हुआ है उससे मैं रबड़ी बना दूँगी, तो कढ़ाई में ये मिल्क मैं डाल दूँगी छान के और इससे रबड़ी बनती रहेगी। और कल का भी मिल्क बच गया था तो वो रखा हुआ है चाय के लिए और बस इससे मैं पूरी रबड़ी बना दूँगी। तो रियांत को रबड़ी खानी थी तो उसके लिए मैं रबड़ी बना रही हूँ। तो रबड़ी में ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है, बस ऐसी कढ़ाई में मिल्क डाल देंगे और बस गैस की जो फ्लेम है उसको बिल्कुल स्लो कर देंगे और ये बनती रहती है। और मैं अपने बाकी के जो काम है वो करती रहती हूँ और बस यहाँ पे मैं लगा रही हूँ रायते में तड़का। तो उसके लिए मैंने जो मिट्टी का दीपक था वो मैंने गैस पर रख दिया था, वो अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें मैंने डाला है घी और इसके बाद मैंने डाला था हींग और जीरा से तड़का लगाया है। और देखिए बहुत ही अच्छा इससे तड़का लगता है और बहुत ही अच्छा है, मतलब खाने में बहुत ही अच्छा लगता है जो रायता बनता है ना दीपक से, जब हम तड़का लगाते हैं उसका टेस्ट अलग ही आता है। और बस इतना काम करके मैं यहाँ पे आ गई हूँ नहा धो के, तो मैं भगवान जी की अब पूजा कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जो भगवान जी के जितने भी बर्तन हैं मैं उनको अच्छे से धुल लूँगी और इसके बाद मैं भगवान जी को नहलाऊँगी और इसके बाद ही मैं पूजा करूँगी। और यहाँ पे जब तक ये दूध रखा हुआ है कढ़ाई पे और ये रबड़ी बन रही है, और मैं यहाँ पे जब भी टाइम मिलता है तो अपना नहा धो के मैं आ गई हूँ जल्दी से, मुझे मॉर्निंग की पूजा भी करनी थी तो बस बीच में जब भी टाइम मिला तो मैं नहा धो के आ गई हूँ। अब मैं पूजा कर लेती हूँ जल्दी से।
और बस यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। तो झाड़ू मैंने लगा दी थी सुबह ही और बस पोछा नहीं लगा पाई थी, तो मैं जल्दी से मैजिक मॉप से पोछा लगा दूंगी। तो 5-10 मिनट में पूरे घर में बहुत अच्छे से पोछा लग जाता है, और बारिश इतनी हो रही है पोछा लगा देते हैं ना तो वो सूखता भी नहीं है, सारे फैन खोलने पड़ते हैं तभी अच्छे से वो सूखता है पानी। और मौसम ठंडा हो रखा था तो मैंने भी आज सूट पहन लिया था क्योंकि बारिश इतनी हो रही है। और बस यहाँ पोछा वगैरह मैं लगा के और इसके बाद मैं सबको लंच करवाऊंगी। तो खा बस सब्जी मैंने सुबह बना दी थी आलू मेथी की, और रायता भी बन गया था, और बस यहाँ पे मैं पूड़ियाँ भी सेक लूंगी और इसके बाद मैं सबको लंच दूंगी। हेलो एवरीवन, आज दिन है शुक्रवार, तो अब जाके मैं फ्री हुई हूँ खाना वाना खा के। और बस अभी टाइम हो रहा है, दोपहर के बज रहे हैं 3, और कल है रियांत का बर्थडे, और कुछ भी तैयारी नहीं हो पा रही है, बारिश नहीं हो रही है, कल से लगातार बारिश हो रही है और अभी भी बारिश हो रही है, बहुत तेज से काले बादल हैं और पानी बिल्कुल रुक ही नहीं रहा है। और अभी इसके कपड़े वगैरह कुछ लेना है, सामान भी लेना है बर्थडे का, तो कुछ भी नहीं आया अभी, और बारिश भी बंद नहीं हो रही है, कैसे जाएंगे बताइए सामान लेने। छाता लेकर फिर जाएंगे मार्केट। छाता लेके मार्केट जाएंगे। हाँ और कौन कौन आ रहा है बर्थडे पे? तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि कौन कौन आ रहा है, बस छोटा मोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन है। आंटी और ये आज मैंने लगवा दी है घर में LED लाइट, तो देखिए कैसी लग रही है। आज LED लाइट लग गई है और बहुत सारे काम है, बर्थडे की पूरी तैयारी करनी है, सामान कुछ भी नहीं है, बारिश हो रही है बराबर, लगातार बारिश हो जा रही है, कुछ भी सामान ही नहीं ले पा रहे हैं, और जाए तो कैसे जाए, बारिश ही बंद ही नहीं हो रही है बिल्कुल भी। रिटर्न गिफ्ट हाँ सब कुछ लेंगे, लेकिन बारिश तो बंद हो तभी तो जाएंगे। नहीं जाता लेके चलेंगे छाता लेके चलेंगे, कहाँ कहाँ जाओगे छाता लेके, कपड़े भी मार्केट। लेंगे। अरे कल तो कल पेपर है यार। हाँ सैटरडे, आज तुम्हारा पेपर था, आज छुट्टी हो गई है बारिश की वजह से, छुट्टी हो गई है, तो जो आज वाला पेपर है वो कल होगा, सैटरडे को कोई छुट्टी नहीं है, अब कल पेपर है तुम्हारा कंप्यूटर वाला, मंडे को हो जाएगा हिंदी का पेपर खत्म। तो अभी रियान के चल रहे हैं एग्जाम, और आज इनका एग्जाम था कंप्यूटर का, लेकिन बारिश की वजह से आज छुट्टी है सभी स्कूलों की, नोएडा के जितने भी स्कूल है सब सभी की छुट्टी है, DM का आदेश था तो सारे स्कूल बंद हैं आज बारिश की वजह से, बारिश कल से लगातार ही हो ही जा रही है, और अब इनका जो आज पेपर था वो कल होगा। और अभी भी देखो कितने तेज बारिश हो रही है, अभी देखो झमाझम वाली बारिश हो ही जा रही है, बारिश ब्लैक भी नहीं बादल आ रहा है। हाँ ब्लैक बादल हो ही जा रही है, और आज लग गई है LED लाइट, यहाँ पे लगवा दी है LED लाइट, तो इसी की रोशनी हो रही है पूरे घर में, अच्छी रोशनी हो रही है, देखिए सारे अभी बंद हैं, ट्यूबलाइट वगैरह सारे बंद हैं, बस इसी की रोशनी हो रही है, बहुत अच्छी रोशनी हो रही है, और दिवाली की भी तैयारी हो रही है, रुको ऐसे नहीं है अभी नहीं। और ये मैं लगा रही हूँ, ये मिरर मंगाए हैं तो देखते हैं लगा के, हाँ ये बॉल मिरर है तो इनको मैं लगा रही हूँ, देखते हैं कैसे लगते हैं बॉल पे। और ये मैंने मंगाए हैं मीशो से, और इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, और देखते हैं कैसे लगते हैं, पहले तो लगाते हैं इनको कैसे लगाना है और कैसे लगते हैं लगाने पर। और यहाँ पे मैंने ये बॉल मिरर लगा दिए हैं, और बस थोड़ा सा ना इसको पहले लगाने से पहले सेट करके देख लो मुझे कैसे कैसे लगाना है, तो आप कैसे भी डिजाइन बना के आप बॉल पे लगा सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो, और आपका अगर मंदिर है मंदिर में भी इनको लगा सकते हो, मंदिर में तो बहुत ही अच्छे लगेंगे ये, बहुत ही अच्छे साइन करते हैं, और बस इनको लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से ये लग जाते हैं वॉल पे। तो अभी टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 5, और अभी थोड़ी सी बारिश बंद हो गई है, तो मैं जा रही हूँ नीचे मार्केट, रियाद के बर्थडे का कुछ सामान लेके आते हैं, अभी कुछ भी सामान नहीं आया, कुछ भी तैयारी नहीं हो पाई है, बस सोच सोच के टेंशन हो रही है कैसे हो पाएगा सब कुछ, चलते हैं कुछ सामान लेके आ जाते हैं। चलो हम लोग जा रहे हैं चुनमुन, और इसमें ओस पाल भी है और रियान के कपड़े लेना है बर्थडे के, और अभी पानी थोड़ा थोड़ा सा बारिश हो रही है, अभी भी आज दिन भर से बारिश हो ही जा रही है, और अभी थोड़ी सी बंद है बारिश,
जल्दी से ले लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हमारे पास में गैलेक्सी है, उसमें हम लोग गए थे, उसमें चुनमुन और ओसवाल है। तो बस रियान के कपड़े लेना था, थोड़ी सी बारिश बंद हुई थी उसी टाइम हम लोग निकल गए थे, तो यहीं से हम लोग कपड़े ले लेंगे। और बस हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे, और ये चुनमुन रहा जहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, सब के लिए सब कुछ है। लेडीज़ के लिए कपड़े हैं, बच्चों के लिए हैं, जेंट्स के लिए हैं, आप अपने किचन का मतलब सब कुछ आप ले सकते हो यहाँ पर। और बस हम लोग ये पहुंच गए हैं चुनमुन में, और रियान के कपड़े लेना है, बस रियान के कपड़े ही ले पाए थे। इतना लेट हो गया था कि और कुछ सामान ही नहीं ले पाए थे, और इतनी तेज़ बारिश आ गई थी कि फिर हमें बस घर वापस आना पड़ा, और कपड़े लेके ही बस हम लोग घर वापस आ गए थे। और इसके बाद बस खाना वाना खाया, और ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा। और इसी के साथ मैं अपनी इस वाली वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।